आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। एसएस देव ताइक्वांडो क्लब के खिलाड़ी ओम प्रकाश गुप्ता और अभिषेक सिंह ने जीता रजत पदक। गाजीपुर के जमालिया एसएस देव पब्लिक स्कूल के छात्रों ने पदक जीत स्कूल और क्षेत्र का नाम रोशन किया। गाजीपुर जिले के राष्ट्रीय खिलाड़ी ओम प्रकाश गुप्ता ने और अभिषेक सिंह अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में रजत पदक जीतकर जमालिया का नाम रोशन कर दिया। जमालिया भैदपुर निवासी 23 वर्षीय ओम प्रकाश गुप्ता ने 83 किलोग्राम भार के पुरुष वर्ग में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर का प्रतिनिधित्व करते हुए 3 से 8 जुलाई तक महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक हरियाणा में आयोजित उक्त राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता में रजत जीता। ओम प्रकाश गुप्ता ने वहां राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या सिंघानिया विश्वविद्यालय राजस्थान, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला और सेमीफाइनल बाउट में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक हरियाणा को 5-3, 7-4 के स्कोर से हराकर उपलब्धि हासिल की। वहीं अभिषेक सिंह 53 किलो भार वर्ग में भोपाल, राजस्थान, केरला, नैनीताल हराकर रजत पद हासिल किया। पदक जीतने की खबर पाते ही गाजीपुर जिले और जमालिया तहसील के खेल प्रेमियों में हर्ष व्याप्त हो गया। ओम प्रकाश गुप्ता की बड़ी बहन ज्योति गुप्ता ने उक्त उपलब्धि का पूरा श्रेय विश्वविद्यालय के कोच अमित कुमार सिंह को दिया। ओम प्रकाश गुप्ता ने उक्त पदक को अपनी बड़ी बहन ज्योति गुप्ता को समर्पित करते हुए कहा, मेरी बड़ी बहन ज्योति गुप्ता के आशीर्वाद और कोच अमित कुमार सिंह के सपोर्ट से ही रजत पदक जीतने में सफल हुआ। अंतर महाविद्यालय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में रजत जीतने के बाद से ही कोच के संरक्षण में विशेष शिविर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा था, जिसका परिणाम अखिल भारतीय स्तर का ये रजत पदक मेरी झोली में है। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के कोच और उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन के महासचिव अमित कुमार सिंह ने बताया, हमारे विश्वविद्यालय को उक्त टूर्नामेंट में रनर ऑफ का अवार्ड प्राप्त हुआ। जल्दी विश्वविद्यालय खेल परिषद द्वारा ओम प्रकाश गुप्ता, अभिषेक को अन्य पदक विजेता खिलाड़ियों के साथ सम्मानित किया जाएगा। जनपद आगमन पर एसएस देव ताइक्वांडो क्लब के प्रबंधक सुभाष चंद्र कुशवाहा ने ओम प्रकाश गुप्ता और अभिषेक सिंह को सम्मानित भी किया। सलीम मंसूरी, ब्यूरो चीफ, गाजीपुर की रिपोर्ट।